प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 में पुनेरी पल्टन और तमिल थलाईवास के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ, लेकिन अंत में बाजी मारी तमिल थलाईवास ने। पिछले दो बार जब मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच हुआ था तब पुनेरी पल्टन ने यह मैच जीता था, लेकिन इस बार पुनेरी पल्टन को हार का सामना कराया तमिल थलाईवास ने और बहुत कांटे का मैच हुआ। 35 और 30 के मार्जिन से पुनेरी पल्टन ये मैच हारी है और तमिल थलाईवास ने जीता है। पिछले सीजन में दो के दोनों बार तमिल थलाईवास को पुनेरी पल्टन ने हराया था, लेकिन इस बार टीम में कुछ बदलाव हुए, टीम बदली, हालात बदले और पहली हार इस सीजन की पुनेरी पल्टन को मिल चुकी है। डिफेंडिंग चैंपियन है पुनेरी पल्टन और कांटे का मैच देखने को मिला दोनों ही टीमों के बीच। हेड टू हेड की बात करें तो 9 बार पुनेरी पल्टन ने बाजी मारी और आज का मैच मिला ले तो 5 बार तमिल थलाईवास जीते हैं, जबकि 2 बार मुकाबला टाई हुआ है। फिर भी पुनेरी पल्टन भारी पड़ती हुई नजर आई, जबकि आज का मैच तमिल थलाईवास ने जीत लिया है। आसानी से तो नहीं कहेंगे, क्योंकि पुनेरी पल्टन की टीम की यूएसपी है कि वो एक साथ मिलकर खेलते हैं, लेकिन इसका तोड़ निकाला तमिल थलाईवास ने और बाजी मार ली है। 35 और 30 के मार्जिन से इस मैच को जीता है तमिल थलाईवास। की बात करें तो हमने पहले भी आपसे बताया था कि नरेंद्र होशियार इस मैच के सबसे मेन खिलाड़ी होने वाले हैं और उन्होंने ही 9 पॉइंट लाकर दिए। सचिन ने 8 पॉइंट, नीतीश ने 5 और साहिल ने 3 पॉइंट अपनी टीम को लाकर दिए, जिसके बदौलत पुनेरी पल्टन पिछड़ गई थी और नरेंद्र ने शुरुआत में जिस तरह से अटैक किया पूरी तरह से हावी रही तमिल थलाईवास गेम में। अगर बात की जाए पुनेरी पल्टन की तो पुनेरी पल्टन की ओर से मोहित गोयात 13 पॉइंट, अकेले 30 में से 13 पॉइंट इस खिलाड़ी ने दिए और जो इनकी यूएसपी थी कि एक साथ मिलकर खेलते हैं वो शायद आज अलग थलग पड़ गए और एक खिलाड़ी पर डिपेंड हो गए। इसके बाद अगर बात करें तो अभिनेश नदराजन ने 4 पॉइंट, असलम इनामदार 4। असलम इनामदार से आप 4 पॉइंट की अपेक्षा नहीं करते, आपको लगता है कि असलम है तो कम से कम 8-10 पॉइंट लाकर देंगे और यही पर थोड़ा सा मात खा गई है पुनेरी पल्टन और अब हार भी चुके हैं इस सीजन में। पिछला टाइटल इन्होंने अपने नाम किया था, 10 मुकाबले लगभग ये जीत जाते अगर ये आज का मैच जीते लगातार प्रो कबड्डी में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। इनके विजय रथ पर लगाम लगाई है तमिल थलाईवास ने, तो तमिल थलाईवास मैच जीत चुकी है और 35 और 30 से इस सीजन में कुछ अलग करने के इरादे से उतरी है तमिल थलाईवास। आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।